नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। टोहाना रोड पर आज सुबह उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक तेज रफ्तार बिलरो गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह वहीं पर खड़े एक बाइक से टकराकर टोहाना रोड के डिवाइडर में जा लगी और ग्रिल को तोड़ते हुए वह दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तरफ जो दुकानें थी वहाँ जा घुसी और अचानक रुक गई। इस दौरान चालक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां से गुजर रही एक साइकिल सवार व स्कूटी सवार बच्चों ने भाग करके अपनी जान बचाई, वरना एक बड़ा हादसा वहां हो सकता था। टक्कर की आवाज़ सुन करके वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग काफ़ी सारे वहां इकट्ठे हो गए, जिसके बाद में गाड़ी चालक वहां से गाड़ी लेकर के फरार हो गया। वहीं हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह टोहाना रोड पर एक तरफ में एक तेज रफ्तार सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी अचानक वहां से गुजरी। अचानक ही SBI बैंक के पास में तेज़ रफ्तार गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी रोड के किनारे पर खड़े एक बाइक से जोर से टकराई, जिसके बाद में गाड़ी रोड के दूसरे तरफ बीचों बीच में बने हुए फुट ऊंचे डिवाइडर को तोड़ करके वह लोहे की एंगल जो बीच में लगी होती है उनको भी तोड़ करके वह दूसरी तरफ दुकानें जो बनी हुई थी उनमें जा कर के रुक गई। और वहां पर एक ख़ास बात यह रही कि अचानक एक बच्चे की वहां जान जा सकती थी, लेकिन वो लोग छोड़ करके अपनी साइकिल छोड़ करके तुरंत भाग गए और अपनी जान बचाई। इस सब को देख करके जो गाड़ी चालक था वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। दुकानदार जो वहाँ है उसने मुनीष गर्ग ने बताया कि इस हादसे के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई एक फुटपाथ की एंगल टूट करके बिखर गई और विभाग को भी हज़ारों का नुकसान हुआ है। यह एंगल काफ़ी लंबी चौड़ी थी। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी रविंद्र सोडी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हादसे की उन्हें सूचना मिली है, इसके बाद में शीघ्र ही टूटे डिवाइडर व एंगल को मरम्मत करवा करके ठीक करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल रतिया से राजेंद्र मित्तल की एक खास रिपोर्ट। हाँ जी, दुर्घटना कैसे हुई थी? हाँ जी, हम काम कर रहे थे और एक बहुत ही तेज रफ्तार गाड़ी आई और आके उसने बाइक को टक्कर मारी, फिर वो रेलिंग को तोड़ती हुई दूसरी तरफ चली गई, जहाँ पे राहगीर भी जा रहे थे और स्कूली बच्चे, वो बहुत बाल बाल बचे। गाड़ी चालक को कोई नुकसान हुआ तो? नहीं जी, गाड़ी चालक को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी तरफ से पूरी पूरी बचत रही। वो अपनी गाड़ी थोड़ी देर उन्होंने देखी और उसके बाद वो चले गए।